किसी मुठभेड़ में घायल होता है या मारा जाता है तो ये जो इनाम की धनराशि है ये नियमानुसार। अतीक अहमद का बड़ा बेटा नाम उमर अहमद, इनाम पूरे 2 लाख रुपए। अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद, इनाम 50,000 रुपए। अतीक के ये दोनों बेटे फरार हैं। उमर को सीबीआई तलाश कर रही है और अली को यूपी पुलिस। करेली में जिशान उर्फ जानू ने अतीक के बेटे अली पर 307 सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर के बाद से अली फरार है। पुलिस ने अली को खोजने के लिए कई जिलों में दबिश दी लेकिन अली पकड़ में नहीं आ सका। अब पुलिस ने अली पर इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है, यानी जो अली को पकड़वाएगा उसको पुलिस 50,000 रुपए इनाम देगी। कुख्यात अपराधी और एक मामले में अभियुक्त अली अहमद नाम के एक बदमाश पर मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको मेरे द्वारा संस्तुति की गई और आईजी रेंज प्रयागराज महोदय के द्वारा इनाम की धनराशि को बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। इस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं, मगर यह अपने आप को छुपाता रहा है और लुकते छिपते बच रहा है। इस बदमाश को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो 50,000 का जो इनाम है इसको भी बढ़वा करके 1 लाख किया जाएगा। फिलहाल हमारी 5 टीमें इस पर काम कर रही हैं और कोशिश करेंगे इसको बहुत ही जल्द गिरफ्तार करके इसके पूरे रैकेट की गिरफ्तारी करें और इस पर विभिन्न मुकदमे जो चल रहे हैं उसमें सज़ा दिलाने का काम हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, ताकि प्रयागराज से माफियाओं का जो उनका काम चल रहा था, अपराध चल रहा था, वो उसका खात्मा हो सके। इसके लिए पूरी टीम सिटी गंगा पार यमुना पार सभी मुस्तैद हैं। सभी SOG की टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम। अतीक का बड़ा बेटा उमर नोएडा के कॉलेज से LLB कर रहा था और अली भी LLB का छात्र था, लेकिन अब दोनों पुलिस के लिस्ट में वांछित अपराधी बन गए हैं। कभी अतीक अहमद का इस शहर में ऐसा रसूख था कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन समय का पहिया घूमा और हालात ये आ गए कि जो कल तक अतीक अहमद के खास माने जाते थे आज वो अतीक के दुश्मन बन गए और अतीक अहमद पर कई मुकदमे दर्ज करा दिए। दोनों बेटों पर कानून का शिकंजा कसने से अतीक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब पुलिस अली को हर हाल में गिरफ्तार करने का मन बना चुकी है और इसके लिए अलग अलग पुलिस की टीमें भी निकल चुकी हैं। SSP ने अतीक के बेटे को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर अली गिरफ्तार नहीं होता तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। प्रयागराज से सटे हुए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ आदि जिलों में इसकी लोकेशन मुखबिरों द्वारा बताई गई, वहाँ पर टीमें गई थी, मगर ये हाथ नहीं आया, इसीलिए 25,000 की नाम की धनराशि को 50,000 किया गया है। अगर यह बदमाश किसी मुठभेड़ में घायल होता है या मारा जाता है तो ये जो इनाम की धनराशि है ये नियमानुसार प्रॉपर जांच पूरी करके जो भी सत्यता होगी उसके आधार पे लोगों को प्रदान किया जाएगा।